ऑफ आर्यावर्त थी उसके साथ इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक को मिलाया गया है और हमारा जो नया नाम है कल से 1 अप्रैल 2019 से वो जाएगा आर्यावर्त बैंक। पहले हमारे पास 15 जिले थे, अब 11 जिले और मिल जाएंगे, 26 जिलों में हमारा काम हो जाएगा और हमारी 1350 से राधा 1367 अगर एग्जैक्टली कहा जाए तो हमारी ब्रांचेस हो जाएंगी और करीब 7000 हमारे एम्प्लॉइज रहेंगे जिनके जरिए हम अपने इन 26 जिलों में काम करेंगे। हमारा जो बिजनेस होगा वो करीब 45,500 करोड़ का डिपॉजिट और एडवांस का मिला के होगा, जो हमने लोगों से पैसे दिए हैं जमा के रूप में और जो लोगों को हम कर्जा दे रहे हैं, दोनों मिला करीब 45,500 करोड़ का हमारा बिजनेस होगा। अब दो बैंकें हमारी थी, एक का स्पॉन्सर बैंक बैंक ऑफ इंडिया था हमारी ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त का और हमारी इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक का इलाहाबाद बैंक था। अब जो स्पॉन्सर बैंक है वो बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रहेगा दोनों बैंकों का। हेडक्वार्टर हम लोग नहीं बदल रहे, हम लोग लखनऊ में अपना हेडक्वार्टर रखेंगे और जो सुविधाएँ हम लोग अपने यहाँ अपने ऋणदाताओं को दे रहे थे वो सुविधाएँ हम इलाहाबाद बैंक कि जो हमारे ग्राहक आएंगे उनको भी देंगे। और उसमें मुख्य सुविधा ये है कि जो 2 लाख तक का हम लोगों ने एक्सीडेंटल कम डिसेबिलिटी इंश्योरेंस दिया था वो हम वहाँ के भी जितने हमारे बारोवर्स हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड करेंगे। तो जब तक हमारे यहाँ चलेगी वो स्कीम तब तक उनके यहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें हर कस्टमर को जो ऋण का है उसको मिलती रहेंगी। उसके साथ साथ हम लोग जो अपने सोशल एक्टिविटीज़ कुछ कर रहे थे, आप लगातार हमारे साथ थे कि हर 15 जनवरी 15 अगस्त 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को हम लोग कुछ न कुछ समाज से जुड़े हुए काम जो है वो करते रहते थे। इस बार भी हम लोग जो है अपना करने का सोच रहे थे। 1 अप्रैल को हम लोग सोचा था कि ब्लड डोनेशन कैंप हम अपने जितने रीजनल ऑफिसेज हैं 22 हैं हर जगह करें, लेकिन ये चुनाव आचार संहिता के चलते हम लोगों को इसमें जो है प्रशासन की तरफ से कुछ समस्याएं आई जिसकी वजह से हम लोग उसको जो है अभी पोस्टपोन कर रहे हैं। फिर आगे हम लोग इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ये काम करेंगे जिससे हमारी समाज में जो उपयोगिता है वो भी बनी रहे और लोगों को हमारे बारे में जितनी जानकारियां हमें, क्यों क्या होता है कि देखिए बैंक में आता है तो एक दो चीज़ पूछ के चला जाता है, जब इस तरह के हम लोग कैंप लगाते हैं तो कई तरह के कस्टमर्स आते हैं और उन सब लोगों को उस तरीके की जानकारियाँ जो हैं वो मिला करती हैं। तो चूँकि नई बैंक बन रही है कई लोगों के दिमाग में सवाल आएंगे कि क्या बैंक है कैसा बैंक है, तो उसमें हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने स्तर से भी इस चीज़ का प्रयास करें जिससे लोगों को जागरूकता हो कि बैंक के स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। अभी भी जो हमारा पूंजीगत जो पूंजी जो लोगों ने दी थी केंद्र सरकार ने 50% दी, अभी भी उनकी 50% है, 15% स्टेट गवर्नमेंट ने दी वो भी 15% है और 35% स्पॉन्सर बैंक की पूंजी जो है वो लगी है। तो हमारी जो आर्यावर्त बैंक का नेचर है वो जो हमारी पिछली दो बैंकें थी चाहे ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त हो या इलाहाबाद यूपी बैंक ग्रामीण बैंक हो उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये हमारी आपसे सर एक